अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। गला ख़राब है थोड़ा सा। तो जी आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए समर ड्रेसेस जो मैंने खुद स्टिच किए हैं और इनकी डिज़ाइनिंग भी मैंने खुद की है। हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग है लेकिन इनके साथ ही मैंने इनको बहुत प्यारा सा डिज़ाइन करके इनको एक डिज़ाइनर सी लुक दी है। तो ये मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, आई होप आपको भी पसंद आएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ आपको के वन बाय बाय वन कि किस तरह से डिज़ाइनिंग की। तो सबसे पहला ड्रेस जो है वो ये है, ये चुनरी वाला फैब्रिक है। चुनरी वाला मींस है लॉन पे है, लेकिन बस डिज़ाइन जो है वो इसका चुनरी वाला बना हुआ है। इसके साथ मैंने इसको ऐसे अनरखा स्टाइल में बनवाया है। सिंपल स्ट्रेट शर्ट है, ये देखें सिंपल स्ट्रेट शर्ट है, लेकिन इसके ऊपर ये चिता प्रिंट का लगा के, ये बस ऐसे मैंने एक शर्ट ली थी, सोचा था अपनी बेटी की का फ्रॉक बनाऊंगी, लेकिन अभी मैंने अपना शर्ट बना लिया है। और ये इसके ऊपर चीता प्रिंट की एक पट्टी लगा के इसको अनरखा स्टाइल में बनवा दिया है। उसके साथ मेरे पास मोटिफ पड़े हुए थे तो ये मोटिफ लगा दिए हैं यहाँ पे, और एक साथ में यहाँ पे। इसके बॉर्डर की तरफ आती हूँ, सबसे मज़े का इसका जो दामन है ना वो लग रहा है, लेकिन इसके साथ ये देखेंगे इसकी बाजू, ये सिंपल इसकी बाजू है, लेकिन साथ ही इसके ये पट्टी लगा के इसके साथ छोटी 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 क्रोशिया लैस लगाई है, ये देखें जी। और इसके ऊपर ये देखें ये वाले टसल्स इस तरह से लगा दिए हैं, तो ये कुछ इस तरह से है। और ये सबसे जो एक मज़े की चीज़ है ना वो ये है, इतना भी शो नहीं हो रहा होगा, ये इसके दामन पे यहाँ तक इसकी ये लैस जो है ये बॉर्डर इसके ऊपर लगाया है, लेकिन ये चीज़ ये देखेंगे अगर आपके ये चीज़ जो है ना ये खाली है, ये खाली है, और बस इसके ऊपर मुझे ये नहीं मिल रहे हैं इसके इस तरह के टसल्स लगाने हैं। 5-6 टसल्स जो है ना वो यहाँ पर लगेंगे सारे ऐसे करके ना, ये सारे ऐसे करके लगेंगे और बाद में इसके साथ ही बराबर इसके इतने ये फिर नीचे से कटिंग हो जाएगी, और ये इस तरह से ये सारे यहाँ पे टसल्स लगेंगे और ये होगा। तो बस शॉप्स बंद थी और जो नज़दीक शॉप है ना वहाँ गई थी, वहाँ से मिले नहीं हैं, तो ये यहाँ पे लगाने हैं। तो ये है जी पहला ड्रेस। अच्छा इसके साथ दिखा देती हूँ मैं आपको कि इसके साथ ट्राउज़र, ये वाला ट्राउज़र है पूरा फुल चिकन का ट्राउज़र है, ये देखेंगे चिकनकारी का ट्राउज़र है, और इसके साथ ये इस तरह क्रोशिया लैस लगाई हुई है और साथ में ये प्लीट्स डाल के इसको, तो ये ट्राउज़र है। तो ये हो गया जी पहला। अब आते हैं दूसरे की तरफ। ओके, तो मेरी बेटी मुझे हेल्प कर रही है। अच्छा जी ये देखें, ये एक ड्रेस ये है, ये इसके ऊपर पूरा फुल फ्रंट के ऊपर इस तरह एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और इसकी भी नेकलाइन देखेंगे बड़ी ही मज़े की है। ये देखें ये इस तरह से, ये इसका गला इस तरह से बना हुआ है, साथ में ये इस तरह से लग रहा है जैसे बैन है लेकिन बैन नहीं है, फ्रंट पे इस तरह से पट्टी लगाई हुई है और साथ में ये है, तो ये इस तरह से इसको ये खुलता है इस तरह, यहाँ पे लगा हुआ है जी एक टिच बटन, ये तो ये टिच बटन लगा हुआ है, और जिस तरह से छोटी छोटी सी साथ में लेस लगाई हुई है, ये देखें ये येलो कलर की, ये येलो इसमें भी आ रहा था तो इसलिए यहाँ पे भी लेस ये येलो कलर की लगाई है, ठीक है छोटी छोटी, और साथ में ये यहाँ पे लगा दी है। बस बाकी सारा सिंपल है, लेकिन इसका गला ही जो है ना वो मज़े का लग रहा है, और ये देखें जी तो इसी से इसकी लुक जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। साथ में इसके है जी वाइट कलर की शलवार, इसके साथ मैंने शलवार बनवाई है वाइट कलर की, और ये है जी दूसरा ड्रेस। हाँ जी, तो शलवार रह गई थी, ये देखें ये इस तरह वाले प्रिंट की शलवार है, किधर गया है नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बस सिंपल शलवार बनवाई है, इसमें कोई ऐसी स्टिचिंग में कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवाई, लेकिन इसके ऊपर ना प्रिंट्स है, ये देखें ये, तो ये इस तरह की सिंपल इसकी शलवार है। दुपट्टा ले आओ जी। तो ये है जी थर्ड ड्रेस, ये लाइम लाइट का है, सिंपल कुर्ता था लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा स्टाइल किया है, ये देखेंगे आप फ्रंट पे इस तरह से इसकी पट्टी लगाई है, और ये क्रेशिया के छोटे छोटे से मोटिफ टाइप बटन्स जो हैं वो मिल गए थे मुझे, तो ये लगाए हैं इसके ऊपर, बस इसको ये इसी के साथ ये स्टाइल कर रहा है इसको, थोड़ा लाइट कलर दिख रहा है लेकिन है थोड़ा सा और ज़्यादा ऑरेंज और बड़ा मज़े का कलर है ये भी। तो ये है सिंपल सी बाजू है इसके साथ, लेकिन इसको भी स्टाइल जो है ना वो इस तरह से किया है, ये देखेंगे आप इसका कुर्ता स्टाइल बनवाया, थोड़ा सा खुला है कुर्ता स्टाइल है, और फ्रंट जो है वो इसका छोटा है,
और बैक जो है ना वो लॉन्ग है इसकी, इस तरह से शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो कोई इस पे वो नहीं करवाई है, पाइपिंग वगैरह नहीं करवाई, बस सिर्फ जस्ट इसको सिंपल रख के, और बस स्टाइल जो है वो इसको किया है जी। दामन जो है वो बस छोटा रखा है एक, और एक रखा है जी बड़ा, फ्रंट वाला छोटा है और बैक वाला जो है वो लॉन्ग है। तो साथ बस ये जो देखें जी, ये है इसके साथ इसकी नेक, और ये इसी कोई खूबसूरत सा कर रहा है। तो इसी के साथ जी बस ये शर्ट मैंने लेके रखी थी, दो लाइम लाइट की, और इसके साथ ये है जी इसकी कैप्री। कैप्री मैं दिखाती हूँ आपको, हल्की सी मैंने डिज़ाइनिंग कर दी है, ये देखें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बस ये इस तरह से है कि कैप्री पे मैंने एक चौड़ी वाली प्लेट्स डाल दी है, साथ में एक बारीक सेंटर में, और उसके ऊपर फिर एक ये वाली प्लेट्स। तो इस तरह से हल्का सा इसमें स्टाइल आ गया है, और ये जरा बस इसी के साथ ही जो है ना वो प्यारी सी लग रही है। तो ये था थर्ड ड्रेस, अब आते हैं फोर्थ की तरफ। और ये है जी फोर्थ शर्ट है अभी इसके साथ, क्या ट्राउज़र जो है वो कम्प्लीट नहीं हुआ। तो ये है इसकी नेक, ये देखें, ये मैंने अपनी बेटी का भी बनाया था तो उसी तरह का ये है। इसके अंदर ये इस तरह के पर्ल्स लगा दिए, ये भी लाइम लाइट की शर्ट, लाइम लाइट से ली थी, पिछले साल ही ली थी मैंने, बिल्कुल जब एंड हो गया था ना तब। तो इसके साथ ये इसकी हैं बाजू, ये देखें ये इसकी बाजू हैं, बिल्कुल दरमियान के अंदर इसका जो है ना वो डिज़ाइन बनाया है। ये भी मैंने अपनी बेटी का वही बनाया था, एक ग्रीन से कलर का, तो ये उसके साथ का। ये गला भी वैसा है, बाजू भी वैसे हैं, बस ये इसका ना कलर्स चेंज हो गया और ये इसका स्टाइल चेंज हो गया जी थोड़ा सा। उसके बाद ये देखें जी इसकी ये वाली हैं बाजू, इस तरह से ये गोल गोल कटां से जो है वो बना के, तो इसको इस तरह से स्टाइल किया है। इसी के साथ आ जाते हैं इसके दामन पे, तो दामन पे भी इसी तरह से किया है, ये देखें। तो ये है इसका दामन, ये तो ये हो गया फोर्थ। इसके साथ का दुपट्टा और दुपट्टा तो रेडी है इसका, लेकिन इसके साथ की जो है वो ट्राउज़र अभी रेडी होना है, वो मैंने कहा हुआ है किसी को लाने के लिए, तो वो ले आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं वो भी जो है ना वो स्टिच कर लूँगी। तो ये था फोर्थ, अब आते हैं फिफ्थ की तरफ। तो जी ये है फिफ्थ शर्ट ही है ये भी, इसके साथ दुपट्टा मेरे पास हैं, दुपट्टे मेरे पास बहुत ज़्यादा सारे होते हैं, लेकिन बस मैं उसमें से कोई ना कोई मैच कर लूँगी, ग्रीन देखूँगी या रेड। तो बस इसको भी जस्ट सिंपल इस तरह से अनरखा की स्टाइल में लगवाया, लेकिन ये यहाँ तक इसकी पट्टी आ रही है बस, ये यहाँ पे, ये इसकी बाजू, और साथ में इसका भी स्टाइल इसको ऐसे किया है कि इसकी फ्रंट जो है वो शॉर्ट है और इसकी बैक जो है वो लॉन्ग है। तो उसी से ये अच्छा सा एक स्टाइल दे रहा है, एक लुक दे रही है, कुर्ता का जो है ना वो स्टाइल आ रहा है। तो बस इसके ऊपर भी मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मैं या तो डोरी वाला लगाऊँ टसल्स, या फिर कुछ और, बस जैसे ही थोड़ा सा देखती हूँ दो तीन दिन में शॉप्स जो हैं वो सही तरह से लैसों वाली वगैरह भी खुल जाएंगी, तो फिर मैं ये ला के इसके ऊपर लगाऊँगी जी। तो इसके साथ ये है जी सिक्स्थ, और ये इस तरह से बना हुआ है, ये मेरा पिछले साल का, ये खाड़ी से मैंने लिया था। तो ये देखें जी इसका नेक लाइन है, और ये इस तरह से छोटी छोटी ये क्रोशिया लैस लगाई हुई है यहाँ पे, यहाँ पे ये सारे पर्ल्स लगाए हुए हैं, और यहाँ पे मैंने ना अंदर सास इसके ये लगाए हुए हैं टिच बटन। और ये देखें इसका बैंड जो है ना वो बहुत बैठा हुआ सा बैंड बिल्कुल नेक के साथ आता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। उसके साथ ये देखें यहाँ पे ये जॉइंट, या इसको कलियाँ पैनल्स कहते हैं, तो ये डाल के इसके साथ मैंने ये तीन तीन लूप्स लगा के, तो साथ में बीड्स लगा दी हैं, ये हो गया है। और साथ में ये देखें जी छोटी छोटी इसकी बाजू जो हैं वो इस तरह से हैं, साथ में आगे पाइपिंग की हुई है, एक एक्स्ट्रा पट्टी जो मिलती है वो यहाँ पे लगाई है, और साथ में इसके ये वाली सीडी लैस, ये सीडी लैस लगा के, तो ये इसको भी एक कुर्ता का स्टाइल दिया हुआ है, ये देखें। और ये है इसका दामन बॉर्डर इसका, और इसमें भी जी ये क्रोशिया लैस डाली है, ये इस तरह से नेक बैक जो है, नेक कह रही हूँ, बैक जो है वो इसकी थोड़ी सी इस तरह की है। तो ये है जी एक कुर्ता या फिर एक ड्रेस। तो इसके साथ स्किन से कलर का जो है वो ट्राउज़र है, तो एक हो गया जी ये। हाँ जी, तो यही थी मेरी जो समर की कलेक्शन,
कैजुअल कलेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वो नहीं है, ईद कलेक्शन नहीं है अभी तो। ईद कलेक्शन जो है वो आनी बाकी है। कुछ ले आई हूँ मैं, कुछ ला एक दो सूट मैंने लिए हुए थे और एक दो और लूँगी, तो फिर मैं आपको जो उनके साथ ना ईद कलेक्शन भी जो है वो शेयर करूँगी। तो इस तरह से छोटे छोटे डिज़ाइन करके इसको डिज़ाइनिंग के साथ तो इसको जो है वो स्टाइल किया है। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए हों तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।